तो चलो भाई बहुत बढ़िया लीग स्टार्ट हुआ यूएस प्रीमियर लीग टी ट्वेंटी इसका हम लोग दूसरा मैच कवर करेंगे पहला मैच में तो भाई बारिश इतनी हो गई कि क्या ही कहें लेकिन बारिश का देखो फायदा भी उठाना आना चाहिए ठीक है तो देखो बारिश जब होती है तो जो फर्स्ट टीम बैटिंग करेगी उसके सारे बैट्समैन उठा लो कोशिश करो जितने मैक्सिमम बैट्समैन उठा सको और जो टीम पहले बॉलिंग करेगी उसकी पैर बॉलर उठा लो ये मान कर चलो कि सेकेंड इनिंग में ज़्यादा ओवर नहीं खेले जाएंगे मान लो बीस ओवर का है तो समझो कि पाँच ओवर का मैच होगा सेकेंड इनिंग का पहला इनिंग का हो सकता है पंद्रह बीस ओवर हो जाए सेकेंड इनिंग में फिर से बारिश होगी तो क्या होगा ओवर कटेगा तो इसका फ़ायदा उठाना सीखो और फाइनल टीम के लिए भाई व्हाट्सअप चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना फ़ाइनल अपडेट वहीं पे मिलेगा तो चलो हम लोग फ़िलहाल देखते हैं कि जो ये मैच है इसमें दोनों टीमों में कौन कौन से इम्पोर्टेंट प्लेयर हैं ठीक है उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे तो चलो देखो भाई इस मैच में पक्का है कि बारिश होगी क्योंकि सेम पिच पे मैच होने वाला है जिस पिच पे वो लोग खेल रहे हैं ना पहला मैच उसी पिच पे ये दूसरा मैच होने वाला है ठीक है तो चलो देखते हैं देखो मैंने रिकॉर्ड्स निकाल रखे हैं ठीक है आपको चाहिए तो रिकॉर्ड्स का स्क्रीन आप ले लो ये रहा ठीक है तो जो भी लोगों को रिकॉर्ड्स के स्क्रीन लेने हैं ले लो वैसे कुछ खास मतलब बनता है नहीं इसका ठीक है तो चलो देखते हैं जिन जिन स्क्रीन शॉट लेना है ले लो फिर उसके बाद टीम बनाते हैं ठीक है बाकी तो करीब करीब जाने पहचाने ही प्लेयर हैं सारे इससे पहले माइनर लीग और दो तीन सी वगैरह सब खेल रहे थे वही सब प्लेयर हैं कुछ खास नए प्लेयर है नहीं जो रेगुलर खेलते हैं उन्हें पता होगा तो भाई स्क्रीन लेते जाना मैं धीरे धीरे दिखा रहा हूँ ठीक है और कोई रह गया यू रह गया लो तो चलो भाई देखते हैं यहीं से स्टार्ट करते हैं अब देखो तुम्हारे टीम में तेजा कब रहेगा जब साइं तेजा मुकामला का टीम पहले बैटिंग करेगा क्योंकि उतना भी कोई ख़ास बैट्समैन है ही नहीं लेकिन जब इसकी पहले बैटिंग होगी तो भैया ओपनिंग करते हैं तो थोड़ा बहुत तीस चालीस पॉइंट तो देकर जाएंगे ही जाएंगे ठीक है उसके बाद देखो दूसरा जो है वो प्रणव चेटी पलायन ठीक है इसको ले सकते हो तो विकेट कीपिंग में भाई किसी को भी ले लो चलो देखते हैं यहाँ देखो विकेट कीपर दोनों ही बेकार हैं ठीक है इसकी टीम का भी पलायन को ले लो या तो फिर दूसरे टीम का ले लेना कोई ठीक है फिलहाल इसके टीम का देखते हैं हमें कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ड्वेन स्मिथ भाई आप भी जानते हो लेकिन बेचारा थोड़ा बूढ़ा सा हो गया है लेकिन भाई बुढ़ापे में भी बस एक ही चीज़ किया है ये चेंज कि अब इसे बॉइ बॉलिंग नहीं मिलती पहले ये बॉलिंग भी कराता था जब वो आप देख रहे हो ना एक विकेट ये पहले बॉलिंग कराता था अब नहीं कराता बेचारे को देता ही नहीं बॉलिंग कोई अब देखो दूसरा है बैटिंग सेक्शन में अगर इसकी टीम पहले बैटिंग करेगी तभी साई तेजा और नील ब्रूम को रखना है नील ब्रूम को कब रखेंगे जब इसकी टीम पहले बैटिंग करेगी नहीं तो इसके बदले हम लोग कोई बॉलर रख लेंगे फिलहाल इसकी टीम पहले बैटिंग करेगी ये सोच कर चल रहा है ये देखो आर सिंह साहब ठीक है इनके भी समस्या चल रहा है भाई इनको बॉलिंग नहीं देता कोई चलो देखो अब यहाँ से आ जाओ रविंद्र सिंह का देख लो भाई दो विकेट है अट्ठाईस का एवरेज है तो भाई सीन क्रिएट कर सकता है ये भी और थर्ड डाउन उतर जाता है बैटिंग के लिए तो सोच समझ लेना भाई इससे पंगा लेना थोड़ा महंगा पड़ सकता है अभी देखो यहाँ से आओ रंजाने रंजाने का अगर आप लोग नाम सुने होगे तो भाई कैप्टन सी के लिए बेस्ट ऑप्शन है भाई एक नंबर ऑलराउंडर अब देखो जसदीप सिंह इनके साथ भी सीन चल रहा है इनके साथ क्या चल रहा है तो भाई इनके भी बॉलिंग कट जाते हैं यार दिक्कत ये आ रही है इस्टॉट इस्टाट को बिल्कुल टीम में रखना है भाई स्टॉट को छोड़ना नहीं ठीक है इस्टॉट जवान लड़का है और बिल्कुल ख़तरनाक फॉर्म में है आपकी रैंकिंग बिगाड़ सकता है टीम में होना चाहिए कैप्टनसी के लायक उतना कुछ खास नहीं है क्योंकि एवरेज अच्छा है इसका और बैटिंग अगर पहले इसकी टीम बैटिंग करेगी तो इसकी बैटिंग आएगी और ये बैटिंग ही करता है बॉलिंग कुछ खास नहीं करता जसदीप सिंह का देख रहे हो एवरेज लेकिन वो एवरेज से हमें कुछ ख़ास लेना देना नहीं है क्योंकि जसदीप सिंह की बॉलिंग दूसरे इनिंग में अगर आएगी तो भाई बारिश हो जाएगी तो हमें बॉलर चाहिए नहीं ठीक है तो हम लोग बैटिंग के हिसाब से लेकर चल रहे हैं किंजे किंजे का देखो भाई ऑलराउंडर है ये मिलेगा आपको बॉलिंग सेक्शन में ये रहा इसको ले लेना ठीक है कैप्टनसी के बारे में सोचना लेकिन किस में तो ग्रैंड लीग में ऐसे नहीं और विनीत सिंह विनीत सिंह का कुछ खास है ही नहीं नए प्लेयर हैं और ये मैच में एक से एक इंटरनेशनल प्लेयर घुसे हुए हैं और फिर से सिंभारी है तो भाई हम ये सोच के चल रहे हैं कि इसकी टीम पहले बैटिंग करेगी तो हमारे लिए बॉलर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है ऑलराउंडर हैं थोड़े बहुत वो संभाल लेंगे अब आ जाते हैं दूसरी टीम में अब देखो दूसरी टीम में इसमें आते हैं तो ये सारे वो बेंच के प्लेयर हैं इसके ठीक है रिकॉर्ड्स लेने हैं तो स्क्रीनशॉट शॉट ले लो इससे कुछ खास है ही नहीं सारे बेकार हैं लोकल प्लेयर हैं मतलब गली क्रिकेट वाले सब इनसे कुछ करना है ही नहीं होता जाता नहीं इनसे अब देखो यहाँ से आ जाओ यहाँ देखो नेपाल टी ट्वेंटी में खेला हुआ प्लेयर है गौरांशु शर्मा ठीक मेरे लिए सबसे अच्छा ऑप्शन अगर देखा जाए तो इक्वे क्रेग लोकल बंदा है लेकिन बढ़िया चलता है और गजानन सिंह गजानन सिंह को बिल्कुल रखना है टीम में और डी शवैन भाई बिल्कुल होना चाहिए डी श्वैन कहाँ है ये रहा इसको रख लो भाई ये बिल्कुल टीम में होना ही चाहिए अब देखो अगर उसकी टीम पहले बैटिंग करेगी तो इसी की टीम बॉलिंग करेगी ना तो भाई बॉलर और बॉलर हमें चाहिए बॉलर देखो और कौन सा है एस हैकेट ठीक है सियोन हैकेट और स्टीवन कटवारू स्टीवन कटवारू और स्वेन हैकेट ये होने चाहिए भाई हैकेट और कहाँ गया कटवारू ये रहे ये होने चाहिए अब मतलब मैं तब की प्रिडिक्शन कर रहा हूँ अगर मैच में सेकेंड इनिंग में बारिश होगी ठीक है मतलब क्या है कि देखो तुम्हें कोई भी मैच जीतना है तो एक चीज़ सोच कर चलनी पड़ेगी कि कोई टीम जीतेगी या फिर कोई सेकेंड इनिंग मैच नहीं हो पाएगा अच्छे से तो भाई इसी पे चलता है प्रिडिक्शन आप ये सोचोगे कि नहीं भाई सब कुछ हो जाए तो फिर तो भाई पॉसिबल नहीं है तो भाई देखो सबसे एक्सपीरियंस खिलाड़ी कौन है इस मैच में कैसरिक विलियम्स ठीक 116 मैच खेले 146 विकेट लिए हैं तो भाई ये तो कैप्टनशी के लायक है ना बिल्कुल होना भी चाहिए भाई मेहनत करता है लड़का अब देखो यहाँ से विलियम्स को ले लेंगे हम लोग आके विलियम्स को ले लिया तो देखो फिलहाल ये दस प्लेयर इम्पोर्टेंट बन रहे हैं कब जब एम ए वी की टीम पहले बैटिंग करेगी तब कटवारू को कीपिंग सेक्शन में फिक्स कर लेना क्योंकि बंदा बॉलिंग भी करता है विकेट ले कर देगा ठीक है अब ग्यारहवा प्लेयर चाहिए हमें टीम बनाने के लिए फाइनल टीम के लिए ठीक है तो ग्यारहवा प्लेयर दोनों मिला के देख लो तो भाई देखो जब जो पहले बॉलिंग करेगा उसी का प्लेयर हम लेंगे ग्यारहवा ठीक है कांची को लेकर चलेंगे कांजी जी का रिकॉर्ड बहुत ही खतरनाक है मैंने उसमें नोट नोट नहीं किया है लेकिन आप लोग कहीं से निकालो तो आपको मिल जाएगा और कैप्टन के भाई फिक्स बंदा रन जाने लेकिन क्योंकि इसकी टीम अगर पहले बैटिंग कर रही है रन जाने की टीम तो आप रिस्क ले सकते हो हैकेट पे ठीक है या तो विलियम्स के इसे आप कैप्टनसी दे सकते हो ठीक है लेकिन फिलहाल के लिए कैप्टनसी तो रनजाने रह को रहने दो भाई बहुत ही मेहनती बंदा है बैटिंग बॉलिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक करता है रैंकिंग ख़राब कर देगा उसे कैप्टनसी नहीं दोगे तो खास करके अगर स्मॉल लीग खेल रहे हो तो।, तो ये टीम बनेगी कब जब एम ए भी पहले बैटिंग करेगा इनकेस पहले बैटिंग मान लो सी ए, ए करेगा तब क्या होगा तो वो भी देख लेते हैं पूरा क्लियर करते हैं ठीक है तो चलो भाई सी ए .E. के पहले बैट्समैन देखते हैं तो सी ए ई के बैट्समैन देखो यहाँ से गजनदीप सिंह ठीक है गजन नंद बिल्कुल टीम में होने चाहिए और शर्मा जी भाई इसके ओपनर्स हैं ये दोनों ये दोनों को टीम में रख लो अब यहाँ देखो ये जो दोनों हैं दरबार और कटवारू भाई कटवारू टीम में होने चाहिए ऑलराउंडर है तो डाउन बैटिंग पे आ जाएगा ठीक है और यहाँ से आई क्रेक को रख लेना ये हो गए तुम्हारे चार बल्लेबाज इनके फिक्स कांची सेकेंड डाउन उतरता है ठीक है इतने हो गए आपके पास पांच इसके बल्लेबाज अब आंख बंद करके छह बॉलर ले लो किसके एम ए के छह बॉलर लेने एक दो तीन ठीक है तीन हो गए यहाँ से आ जाओ एक दो और भी सिंह लोगे या सिमबारी लोगे तुम्हारी मर्जी दोनों में से एक लेना होगा यहाँ पे बैटिंग सेक्शन में देखो तो डेन स्मिथ है अब बॉलिंग नहीं कराता है ब्रूम भी बॉलिंग नहीं कराता है तो समस्या है यहाँ से किसी को नहीं ले पाओगे इधर भी कोई नहीं है बॉलिंग कोई नहीं कराता तो अगर सिर्फ तुम्हें बॉलर चाहिए तो भाई इधर से लेना पड़ेगा लेकिन अगर तुम्हें एक बैट्समैन भी चाहिए ओपनिंग का तो या तो इसमें इस के साथ जाओ तो ब्रूम के साथ जाओ किसके साथ जाओगे तुम्हारी मर्जी तो इस तरह की टीम बनेगी ठीक है जब सी ए -E पहले बैटिंग करेगा ठीक है तो ये सोच कर चलना सेकेंड इनिंग में बारिश होगी और सेकेंड इनिंग पाँच ही ओवर का होगा ये सोचकर ठीक है तो कुछ ना कुछ मान कर चलना पड़ेगा तो यहाँ देखो कैप्टनशीप के लिए फिर रन जाने फिक्स हो जा रहा है ठीक है बॉलिंग आए या बैटिंग आए पहले भाई ख़तरनाक प्लेयर है उसको नहीं कुछ कह सकते हम लोग ठीक है अब वॉइस कैप्टन वॉइस कैप्टन किसी को तो ले लो भाई यहाँ से मेरे हिसाब से तो भाई स्वयं स्मिथ ही अच्छा रहेगा ठीक है तो ये बन जा रहा फाइनल टीम अब देखो भाई जो भी चैलेंजेज होगा उसके लिए आपको व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा ठीक है और एक सोच के साथ ही हम लोग टीम पे चलेंगे कि भाई ये मान लेंगे कि अगले सेकेंड इनिंग में बारिश होगा ही होगा ठीक है तभी ये मैच जीतोगे अब या तो हारना होगा तो हार ही जाएंगे लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो